मेरी बाहों में आजा मेरे राजा, बाहों में आ जाओ, इधर नालों में किसी ट्रक थले आ जा। मेरी गल तो सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा, मेरी लातें हैं पतली, मैं नाच जाऊंगा। नाज़रीन, तुम याद हो के ख़ास प्रोग्राम में आज हम बहुत ही अहम शख्सियत की कब्र पर आपको लेकर जाएंगे। फिल्म दुनिया की ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम उम्र पाई लेकिन जितना काम किया वो इतना शानदार के आज भी लोग उनके काम को देखते हैं और महजूज होते हैं। मेरी मुराद मुनव्वर ज़रीफ हैं, जिन्हें शहनशाह ज़राफ़त का ख़िताब मिला, और आज हम उनकी कब्र पर जाएँगे और देखेंगे उनकी कब्र की क्या हालत है और क्या उनकी कब्र पर कोई आता है या नहीं आता। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में मौजूद है, जो कि बिल्कुल जो मज़ार है बीबी पाक दामन का, उसके साथ कब्रिस्तान है, वहाँ पर मौजूद है। और इस कब्रिस्तान में खाली मुनव्वर ज़रीफ़ ही की कब्र मौजूद नहीं, बल्कि उनके ख़ानदान के जो दिगर लोग हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ज़रीफ़ की बात की जाए, जो कि मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई थे और बरसगीर की फिल्मी दुनिया में एक ख़ास पहचान उन्हें भी मिली थी, उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। और मुनव्वर ज़रीफ़ के जो दिगर भाई मजीद ज़रीफ, रशीद ज़रीफ, जो कि खुद शोबिस से वाबस्ता थे, उनकी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं और मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र आपको दिखाते हैं और उनके ख़ानदान के जो दिगर लोग हैं उनकी कब्रें भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि उनकी कब्रों की क्या हालत है, क्या शहनशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र पर कोई आता है या नहीं आता। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मुनव्वर ज़रीफ़ की शख्सियत में कुछ अहम था, कुछ गैर मामूली था। यही वजह है कि आज उनके मरने के कई बरसों बाद भी लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी अकीदत का इजहार करते हैं। बल्कि मैंने तो कई लोगों से ये सुना है कि वो इसे कहते हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारा मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ कोई रूहानी ताल्लुक़ है। तो आज मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र की हम आपको ज़्यारत करवा रहे हैं। ये मुनव्वर ज़रीफ़ की आखिरी आरामगाह है, जहाँ पर वो अब भी नींद सो रहे हैं। ये उनका वो घर है जो उनकी जो मुस्तकिल सुकूनत उन्होंने जहाँ पर इख्तियार की। तो ये मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र है, आप देख सकते हैं कि इनके कतबा पर लिखा गया है कि फ़िल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ़, और ये अप्रैल के महीने में इंतकाल कर गए थे। और यहाँ पर एक शेर भी लिखा गया उनके फैमिली की तरफ से कि उम्र भर तेरी मोहब्बत हमारी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत हमारी खिदमत कर रही, हम तेरी खिदमत के काबिल जब हुए तुम चल बसे, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ा नुरस्ता इस घर की निगहबानी करे। नीचे नाम लिखा गया है बिल्कीस खानम बेगम मुनव्वर ज़रीफ, फैसल ज़रीफ, आयशा ज़रीफ, फ़ायज़ा ज़रीफ। तीन बच्चे थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के, और इनके बड़े बेटे फैसल ज़रीफ़, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, और वो इस कब्रिस्तान में नहीं मौजूद, वो डिफेंस में उनकी तदफीन हुई थी। और इसके अलावा आयशा ज़रीफ़ इनकी बेटी, फ़ायज़ा ज़रीफ़ इनकी बेटी, और जो बेगम मुनव्वर ज़रीफ़ हैं बिल्कीस खानम, वो इस वक्त डिफेंस में मुकीम हैं, डिफेंस लाहौर में, और उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज है। वो शान साहिद की रिश्ता में खाला भी हैं और नीलों की वो फर्स्ट कज़न हैं। तो ये मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र है, जो कि पक्की बनाई गई है, पक्की कब्र है, और माशाल्लाह अच्छा लगा देखकर, खुशी हुई कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी कब्र है। और मैंने यहाँ पर बात की जो इंतज़ामिया है इस कब्रिस्तान की, तो उनका यही कहना था कि फैमिली में से लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन इनके जो परस्तार हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो आते रहते हैं, और कभी कभार ख़ानदान का कोई फ़र्द भी यहाँ पर आ जाता है। तो जो दूसरी हमने स्टार्स की आपको कब्रें दिखाई, उनके मुकाबले में उनकी निस्बत एक अच्छी कब्र, अच्छा घर, आखिरी जो
आराम गाह है वो मुनव्वर ज़रीफ़ की बनाई गई है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पक्की कब्र है, कतबा लगा हुआ है। और ये अब मैं डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा कि मुनव्वर ज़रीफ़ की शख्सियत और उनकी जो खिदमात हैं फिल्मी दुनिया के लिए और जो उनका काम है वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, और उस पर हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बना रखी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ़ की आखिरी आरामगाह आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी ज़्यारत करवाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इस पसंदीदा फनकार की कब्र पर ज़रूर आएँ, फातिहा खानी करें, इनको याद करें, इनके काम को खराज तहसीन पेश करें, ताकि जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम एक नई रवायत कायम कर सकें कि हम अपने लेजेंड्स को मरने के बाद भी याद रखते हैं। तो आखिर में जाते जाते मैं आपको इसी कब्रिस्तान में मुनव्वर ज़रीफ़ के हम साया हैं, इनके वालिद, इनके भाई, उनकी कब्रें भी दिखाऊँगा, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ चलिए और मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ मुनव्वर ज़रीफ़ के भाई, जो कि चार भाई यहाँ पर उनके मदफून हैं। नाज़रीन, मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई ज़रीफ़, जिनका असल नाम सदीक था, सदीक ज़रीफ़, और वो भी बहुत ही बड़े फ़नकार थे, और मुनव्वर ज़रीफ़ से पहले उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया, और उनका गाना बुरे नसीब मेरे वो तो ज़ुबान ज़द आम रहा। बुरे नसीब मेरे, वैरी हो गया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। तो ये जो सबसे पहले कब्र है वो है ज़रीफ़ साहब की, जिनका असल नाम मोहम्मद सदीक था, और ज़रीफ़ मुनव्वर ज़रीफ़ और सदीक ज़रीफ़ के वालिद का नाम अब्दुल हक है, तो इसलिए सबके साथ इब्ने अब्दुल हक लिखा गया है। तो ये सबसे पहले सदीक ज़रीफ़ साहब की कब्र है, और कब्र की आप हालत भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि काफ़ी अर्सा से कोई नहीं आया। और इसके साथ मोहम्मद रशीद ज़रीफ़, जो कि मुनव्वर ज़रीफ़ के भाई थे, उनकी कब्र मौजूद है। और उसके बाद जो मुनीर ज़रीफ़, मुनव्वर ज़रीफ़ के ये भी भाई थे और इनका ताल्लुक भी फिल्मी दुनिया से था, इनकी कब्र है। और इस साइड पे ये कब्र है मजीद ज़रीफ़ की, मजीद ज़रीफ़ जो के छोटे भाई थे मुनव्वर ज़रीफ़ के, और इनका ताल्लुक भी शोबिस से था। तो इस तरह ये चार भाई बिल्कुल साथ साथ हैं, सदीक ज़रीफ़, रशीद ज़रीफ़, मुनव्वर ज़रीफ़ और मजीद ज़रीफ़, और इनके बिल्कुल दो कब्रें छोड़कर साथ मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की कब्र है। और अगर मैं पीछे देखूं तो पीछे मुझे नज़र आती है कब्र चौधरी अब्दुल हक साहब की कब्र है, जो कि मुनव्वर ज़रीफ़ के वालदे मोहतरम थे, और ये पूरी फैमिली जो है, पूरा ख़ानदान जो है, वो साथ साथ मदफून है, और इनकी कब्रें भी साथ साथ हैं। और अगर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हमें कब्र मिलती है मोहम्मद ज़रीफ़, जो कि सदीक ज़रीफ़, जो कि बड़े भाई थे मुनव्वर ज़रीफ़ के, उनके बेटे पप्पू ज़रीफ़, जिन्होंने अपनी फिल्मों में किस्मत आजमाई की लेकिन वो भी नाकाम हुए। तो इस तरह पप्पू ज़रीफ़ की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका असल नाम आरफ जवेद है। तो इस तरह अगर बात की जाए तो मुनव्वर ज़रीफ़, उनके चार भाई, उनके वालिद, उनके भतीजे और उनकी बहन यहाँ पर मदफून है, क्योंकि ये उनका आबाई इलाका है, तो इसलिए ये सारी फैमिली यहाँ पर है। लेकिन जो मुनव्वर ज़रीफ़ के बेटे फैसल ज़रीफ़ का हाल ही में इंतकाल हुआ, उनको डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। और नाज़रीन, जहाँ मुनव्वर ज़रीफ़ के भाइयों की, वालिद की और भतीजे की कब्र यहाँ पर मौजूद है, तो वह अभी मालूम हुआ है कि उनकी वालदा बरकत बीबी की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप उनकी कब्र को भी देख सकते हैं। तो बस ये देख लें कि आप पूरा ख़ानदान एक साथ यहाँ पर मदफून है, और ये बड़ी ही शानदार बात होती है। लेकिन जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की कब्र है वो तो पक्की कब्र है, लेकिन बाकी जितने ख़ानदान के अफराद हैं उनकी कच्ची कब्रें हैं, और कब्रों की हालत भी कोई ख़ास बेहतर नहीं है। ऐसे मालूम होता है कि काफ़ी अर्सा से यहाँ पर कोई नहीं आया। तो ये हमने आज की इस वीडियो में आपको मुनव्वर ज़रीफ़ के ख़ानदान की कब्रें दिखाई, और मुनव्वर ज़रीफ़ की ख़ास तौर पर कब्र दिखाई। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ के जो बेटे, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ फैसल ज़रीफ़, उनको डिफेंस में सुपुर्द खाक किया गया था, वो यहाँ पर मदफून नहीं है। लेकिन बाकी जितने घर के अफराद हैं वो यहीं पर उनकी तदफीन की गई है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ख़ास प्रोग्राम पसंद आया होगा शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ के हवाले से, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ़ की जो हैसियत है फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत ही मुनफरिद है, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ़ का जो काम है वो बहुत ही शानदार है,
और उनके शानदार काम की बदौलत उन्हें शहंशाह ज़राफ़त का खिताब मिला है। लेकिन एक ख़ास बात आखिर में बताता चलूँ कि जितना अर्सा हो चुका है मुनव्वर ज़रीफ़ को के इंतकाल को, लेकिन उसके बावजूद मुनव्वर ज़रीफ़ की मकबूलियत में कमी नहीं आई, मुनव्वर ज़रीफ़ से चाहने वालों में कमी नहीं आई, तो ये एक बहुत ख़ास बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे जो स्पेशल एपिसोड्स होते हैं तुम याद हो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।